झारखंड के सिमडेगा जिले में मॉब लिंचिंग का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां कथित तौर पर एक युवक को ग्रामीणों ने इसलिए पीट पीट कर मार डाला क्योंकि उसने पेड़ काटा था। आरोप है कि ग्रामीणों ने पीड़ित को पहले लाठी डंडों से पीटा और फिर पत्थरों से मार कर बुरी तरह घायल कर दिया। भीड़ का गुस्सा इतना ज्यादा था कि युवक को बुरी तरह मारने के बाद उसे जिंदा जला दिया गया, वो भी उसकी माँ और पत्नी के सामने। दिल दहला देने वाली इस घटना की जानकारी मिलने पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके लिए जांच बिठा दी गई है। बता दें कि बीते महीने ही झारखंड सरकार ने एंटी मॉब लिंचिंग बिल पास किया है। उसके बाद राज्य में भीड़ द्वारा हत्या का ये पहला मामला सामने आया है। क्यों गुस्साई भीड़? दरअसल घटना मंगलवार 4 जनवरी को सिमडेगा जिले के बेसरा जरा गांव में दोपहर करीब 2:30 बजे हुई है। यहां दो गांवों की गुस्साई भीड़ ने 32 वर्षीय संजू प्रधान को पीट पीट कर मार डाला। घटना की चश्मदीद ग्राम प्रधान सुमन बुड़ ने बताया कि मुंडारी मान्यताओं के मुताबिक गांव की खूट कटी की जमीन पर लगे पेड़ को काटना मना है, लेकिन संजू ने पिछले साल अगस्त में गांव के खूट कटी नियम को तोड़ते हुए सार्वजनिक जमीन से 6 पेड़ काट कर बेच दिए थे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी थी लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। फिर घटना वाले दिन गांव की खूट कटी कमेटी की बैठक हुई। इसमें संजू ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नहीं स्वीकारा। इसके बाद ग्रामीण बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उसे पीटने लगे। खबर के मुताबिक भीड़ में सैकड़ों लोग शामिल थे। पिटाई के बाद संजू को जिंदा जला दिया गया। उस समय उसकी पत्नी और अन्य परिजन भी वहां से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर मौजूद थे। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश भी की लेकिन भीड़ नहीं मानी। ग्राम प्रधान के मुताबिक संजू का घर घटना स्थल से महज 100 मीटर दूर ही है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस भी लाचार दिखाई दी। खबर के मुताबिक कोलेबिरा थाने को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ घटनास्थल के लिए निकल गई, लेकिन मारने पर उतारू भीड़ ने उसे रोक दिया और मृतक का शव तक बरामद नहीं करने दिया। इसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए ठेठ ईटागर और बानो थाने की पुलिस को भी बुलाना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया और फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई। मृत युवक को अधजले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि गांव में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। फिलहाल मामले की जांच के लिए एक टीम गठित कर दी गई है जो कि 48 घंटे में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके चक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।